हाय, आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ बात जानना चाहते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना सारा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो आप कहाँ करेंगे? वीडियो पॉज करके हमें कमेंट्स में बताइए। कुछ लोगों ने लिखा स्टॉक्स, किसी ने रियल एस्टेट और किसी ने गोल्ड। ऊपर से सभी के लिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन भी तो अलग अलग होगी, लेकिन सपोज हम कहें कि लॉन्ग टर्म मतलब 100 साल। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में उनके मैनेजमेंट को देखकर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उस सेक्टर की ग्रोथ को देखकर, तो क्या जरूरी है कि वो 100 साल तक सस्टेन करेगा? सेम वे रियल एस्टेट का केस भी है। आप जहां रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, शायद वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वहां के दाम बढ़े ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? 100 साल एक काफी बड़ा टाइम फ्रेम है, राइट? इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू शायद आप अपना ही नहीं लेकिन प्रोबेबली अपने बच्चों के बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो है जो आपको 100 साल जैसे पीरियड में भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सके? 100 साल के पीरियड में दुनिया बढ़ते और चढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, वॉर्स, ग्लोबल वार्मिंग, इन्फ्लेशन, रिसेशन जैसे और भी कई प्रॉब्लम्स से गुजर जाएगी। फिर आखिर क्या सच में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो इन फैक्टर्स को कंसिस्टेंटली बीट कर सके और रिटर्न्स जनरेट कर सके? बिल्कुल है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इमेजिन दैट समवन गिव्स यू जनरेशनल वेल्थ, एनफ मनी दैट यू कैन लिव एंड योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन कैन लिव एट अ हाई लेवल. But it's subject to one question, one dynamic. You have to choose an asset allocation and stick with that allocation over 100 years. What allocation do you choose so that your children's children will have prosperity? आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना अच्छा? उतना अच्छा जो 100 साल तक आपको अच्छे रिटर्न्स दे और आपकी कमाई दौलत को बचा सके। क्या ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ, और ऐसे पोर्टफोलियो को आज इन्वेस्टर्स ड्रैगन पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं इस पोर्टफोलियो के बारे में। अब जैसा कि आपको नाम से अंदाजा लग सकता है, ये कोई कन्वेंशनल नाम तो है नहीं, और आपको ये भी बता दें कि ये नाम सिर्फ ऐसे ही कूल लग रहा था इसलिए नहीं रखा गया है। और तो और सिर्फ ड्रैगन ही नहीं, इस पोर्टफोलियो में आपको दो और क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, स्नेक और हॉक। ड्रैगन पोर्टफोलियो नाम एक्चुअली आर्टेमिस कैपिटल के CEO क्रिस क्लोई की देन है। आर्टेमिस कैपिटल ने 2020 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, द एलिगरी ऑफ द हॉक एंड सर्पेंट। इस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि सर्पेंट यानी कि सांप एक सेक्युलर ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। सेक्युलर ग्रोथ वो पीरियड होता है जब इकोनॉमिक कंडीशंस ग्रोथ और बिजनेस के लिए फेवरेबल होती हैं। एक ग्रोथ साइकिल नॉर्मली फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जैसे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जन्म लेती है। अब जैसे जैसे ये सेक्युलर ग्रोथ अपनी चरम सीमा यानी कि मेच्योरिटी के फेज पर पहुंचती है, तो ये सर्पेंट इस नेचुरल ग्रोथ को लालच और दूसरे नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से सस्टेन नहीं कर पाता है, और ऐसे में सेक्युलर फोर्स को डिस्टर्ब करने वाले फोर्स को हॉक यानी कि बाज कहा गया है। असल जिंदगी में भी बाज और सांप दुश्मन होते हैं। हॉक डिफ्लेशनरी साइकिल, एजिंग पॉपुलेशन, डेट डिफॉल्ट्स एटसेट्रा जैसी कंडीशंस को सिग्निफाई करता है। द सर्पेंट रिप्रेजेंट्स द सेक्युलर ग्रोथ साइकिल दैट बिकम्स करप्टेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम वेयर द सर्पेंट बिगिंस डिवोरिंग इट्स ओन टेल। इट इज अनएबल टू जनरेट ग्रोथ नेचुरली and has to self-cannibalize. And the hawk comes down and represents the disruption of that cycle. But the hawk has two wings, which also work with the probability distribution. On the left wing... Wow, that's deep. Okay. the metaphor goes deeper. On the left wing, we have debt deflation. This is, you know, what Japan has experienced. Mm-hmm. That's one way you get out of this decaying growth cycle. Slowly. Slowly. Painfully. That's what the U.S. experienced in the 30s. But on the other end of it, you have fiat devaluation and reflation. That is where you simply devalue your currency, and that could be helicopter money, devaluation of currency, money printing. That is another way that you get out of that
of that crisis. अगर आप हॉक का फोटो देखें तो यहाँ उसके दो पंखों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. हॉक का लेफ्ट विंग एक डिफ्लेशनरी पाथ को सिंबलाइज करता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ एजिंग पॉपुलेशन की वजह से लो इन्फ्लेशन, फॉल्टरिंग ग्रोथ, एक फाइनेंशियल क्रैश और फाइनली डेट डिफॉल्ट जैसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं. और दूसरी तरफ हॉक का राइट विंग इन्फ्लेशन, करेंसी डिफॉल्ट और हेलीकॉप्टर मनी जैसी कंडीशंस को सिग्निफाई करता है. अब अगर आप इसे ध्यान से सोचते हैं तो इनमें से कोई भी इवेंट एक तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. ये इवेंट्स आमतौर पर एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं. ये पूरी इकोनॉमी साइकिल अगर आप गौर से सोचेंगे तो उतना ही पुराना होगा जितना पुराना मनी का कॉन्सेप्ट है. अब इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ें तो हमें ये पता लगता है कि सर्पेंट और हॉक इन दोनों का अवतार एक ड्रैगन है. ड्रैगन के पास बाज के पंख हैं और सांप की तरह शरीर और पूंछ है. तो अच्छे दिन यानी कि सेक्युलर ग्रोथ और बुरे दिन यानी कि सेक्युलर डिक्लाइन में भी ड्रैगन पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्मेंस देता है. तो इसलिए इस पोर्टफोलियो का नाम ड्रैगन पोर्टफोलियो दिया गया है. इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपोजिंग डुअलिटी और कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जीज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. मार्केट में बेयर और बुल दोनों फेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एंड में एक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है. ठीक उसी तरह इस केस में हॉक और सर्पेंट और उतना ही नहीं प्रकृति में भी देखें तो विंटर, समर, मेल और फीमेल ये सब एक कॉस्मिक बैलेंस बना के रखते हैं. इसका सीधा मतलब होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्रोसेस एक साथ में ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव. और इसी तरह से एक ड्रैगन जो हॉक और सर्पेंट के फोर्सेस को एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसिडर कर पाता है वो इफेक्टिवली हमारे लिए एक सेंचुरी लॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद करता है. एक ड्रैगन पोर्टफोलियो के पीछे की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है. आपको अपने पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी के साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करना है जो आपको तब रिटर्न्स दें जब इक्विटी और बॉन्ड दोनों ही अच्छे रिटर्न्स ना दे पाए. काफी सिंपल सुनाई दे रहा है ना. एक्चुअली हम खुद ही तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं. क्रिस और आर्टेमिस की टीम ने यूएस के पिछले लगभग 100 सालों के इकोनॉमिक साइकिल्स और डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न्स को स्टडी किया. इसमें उन्होंने एक ड्रैगन पोर्टफोलियो बना के बैक टेस्टिंग करके साबित किया है कि ड्रैगन पोर्टफोलियो हर कार के मार्केट साइकिल में बाकी पोर्टफोलियो के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स और कैपिटल सेफ्टी देता है. ड्रैगन पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसका मकसद है इकोनॉमी के हर उतार चढ़ाव में रिटर्न के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी देना, क्योंकि एक ही समय में सारे के सारे एसेट्स अच्छे रिटर्न नहीं दे सकते हैं. आर्टेमिस की टीम ने यूएस मार्केट को 5 अलग अलग हिस्टोरिकल साइकिल्स में डिवाइड कर लिया था. सेक्युलर डिक्लाइन 1929 से 1946, सेक्युलर रीबर्थ 1947 से 1963, सेक्युलर स्टैग्नेशन 1964 से 1983, सेक्युलर बूम 1984 से 2007 और सेक्युलर डिक्लाइन 2008 से 2019. इन सभी साइकिल्स में अलग अलग एसेट क्लासेस ने डोमिनेट किया है. जैसे कि 2008 से 2019 के साइकिल में इक्विटीज ने लगभग 231% गेन्स दिए, लेकिन इक्विटीज ने 1929 से 1946 के साइकिल में 80% लॉस दिया. जी हाँ, सोचिए आप अगर इस पीरियड में किसी इंडेक्स फंड में निवेश करते तो आपको 20 सालों यानी कि 1929 से 1949 में नेगेटिव रिटर्न्स मिलते. इंडेक्स फंड और इक्विटीज का यही हाल 1964 से 1975 तक और 2000 से 2012 के दौरान भी था. और तो और ये इकोनॉमी की साइकिल्स को प्रिडिक्ट करना भी असंभव है. उससे भी ज्यादा असंभव है इन साइकिल्स के अनुसार इन्वेस्टमेंट को टाइम करना. मतलब जब इक्विटी के अच्छे दिन आने वाले हो तो इक्विटी बाय कर लो और बुरे दिन आते ही बेच दो. ऐसा कहना आसान है, करना नहीं. तो क्या सिर्फ इक्विटी और डेट के ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन से हमें क्या सारी साइकिल में फायदा नहीं मिल सकता? वैसे तो अगर देखा जाए तो क्लासिक 60-40 के रेशियो वाले इक्विटी और बॉन्ड्स यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो एक्चुअली उतने रिस्की नहीं होते, बट एक तरह से वो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं है. इस तरह के पोर्टफोलियो एक तरह से अपने फेज में चल रही मार्केट कंडीशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. जब बॉन्ड्स और स्टॉक्स के मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तो 60-40 पोर्टफोलियो बेहतरीन रिटर्न्स देने का पोटेंशियल शायद रख सकता होगा. जैसे कि 1947 से 1963, 1984 से 2007, 2010 से 2019 का समय,
लेकिन सबकी स्ट्रैटेजीज में आखिर कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है. और ठीक उसी तरह जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर जीरो के आसपास रहते हैं, जी हाँ आपने ठीक सुना, जीरो, जैसे कि यूएस में 1930s के समय में, जापान में 1990 के बाद का फेज, और इसके अलावा जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से राइज हो रहा हो जैसे कि 1970s में यूएसए, तब इस तरह के ट्रेडिशनल क्लासिकल पोर्टफोलियो उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते. कुछ केसेस में तो अगर अच्छी रिसर्च ना की हो तो अच्छे रिटर्न्स जाने दीजिए, ये पोर्टफोलियो आपके कैपिटल लॉस का भी रीजन बनते हैं. तो फिर ड्रैगन पोर्टफोलियो में आखिर ऐसा क्या है जो वो हर तरह की मार्केट साइकिल से लड़ने में हेल्प करता है? ड्रैगन पोर्टफोलियो दरअसल अलग अलग एसेट्स का कॉम्बिनेशन है, एसेट्स जो एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो. एक पोर्टफोलियो बनाते समय हमारा लक्ष्य ये है कि जब किसी एसेट का दौर बुरा हो तो कोई और दूसरे एसेट्स बेहतरीन रिटर्न्स दें और ओवरऑल पोर्टफोलियो की ग्रोथ अच्छी हो, और जब इकोनॉमिक स्थिति अच्छी ना हो तब एसेट की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से पोर्टफोलियो में लॉस कम हो. जब एसेट्स कोरिलेटेड नहीं होंगे तब इकोनॉमिक साइकिल हर एसेट क्लास को अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा. जैसे कि पैंडेमिक के दौरान जब स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे तब गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे थे. दूसरी ओर पर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल का रिस्क जितना कम हो वो पोर्टफोलियो उतना ही अच्छा होता है. एक ड्रैगन पोर्टफोलियो के माध्यम से हम परमानेंट कैपिटल लॉस के रिस्क को एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन करके रिड्यूस करते हैं. इसमें वॉलिटिलिटी तो है लेकिन इस पोर्टफोलियो के रिटर्न बुरे समय में भी ज्यादा गिरते नहीं है, और इसीलिए कहा गया है नेवर एम्बॉडी ओनली द हॉक और द सर्पेंट बिकम अ ड्रैगन. चलिए समझते हैं इस ड्रैगन पोर्टफोलियो के कुछ की कॉम्पोनेंट्स और उनके वेटेज को. तो ड्रैगन पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, इक्विटीज 24%, लॉन्ग वॉलेटिलिटी 21%, गोल्ड 19%, फिक्स्ड इनकम 18%, कमोडिटी ट्रेंड 18%. आइए इनको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इक्विटीज की. ड्रैगन पोर्टफोलियो में 24% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है. इसमें आप नॉर्मली इंडेक्स फंड्स या ETFs कंसिडर कर सकते हैं. इक्विटी से आप इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ अच्छे मार्केट कंडीशंस के दौरान वेल जनरेशन भी कर सकते हैं. फिर आता है लॉन्ग वॉलेटिलिटी. 21% पोर्टफोलियो की रकम नॉर्मली लॉन्ग वॉलेटिलिटी हेज फंड्स में इन्वेस्ट की जाती है. जब इकोनॉमी में ग्रोथ ना हो या मार्केट में क्राइसिस हो तो ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब कि हेजिंग करके मार्केट की टर्बुलेंस से प्रॉफिट मिलता है. लॉन्ग वॉलेटिलिटी दरअसल ग्रोथ साइकिल का एक एंटी कोरिलेशन माना जाता है. फिर आता है गोल्ड. 19% पोर्टफोलियो का भाग गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया जाता है. फिजिकल गोल्ड से बेहतर और सरल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है गोल्ड ETF. फिर आता है फिक्स्ड इनकम. 18% पोर्टफोलियो का भाग अच्छे रेटिंग वाले और 20 से 30 साल के टेन्योर वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है. आर्टेमिस की स्ट्रेटजी के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए बॉन्ड्स होल्ड करके सेल करें और नया बॉन्ड खरीदें. इसमें भी आप बॉन्ड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फिर आता है कमोडिटी ट्रेंड. बचा हुआ 18% पोर्टफोलियो कमोडिटी ट्रेंड में इन्वेस्ट किया जाता है. इसमें भी इंडेक्स फंड या ETFs के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये तो आपने इस पोर्टफोलियो के पीछे की साइकोलॉजी, फिलॉसफी और वर्किंग को देखा, लेकिन क्या ये सच में रिटर्न्स जनरेट कर पाया था? और अगर हाँ तो उस समय में बाकी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आखिर कैसे थे? चलिए एक नज़र वहां भी डालते हैं. जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे ड्रैगन पोर्टफोलियो को क्लासिक 60-40 इक्विटीज टू डेट पोर्टफोलियो के साथ और प्योर इक्विटी के साथ. सबसे पहले बात करते हैं सेक्युलर डिक्लाइन की. ये 1929 से 1946 में सबसे पहले 9.7% था ड्रैगन के लिए, क्लासिक के लिए -4.6 और प्योर इक्विटी में -5.8%. अब बात करते हैं सेक्युलर रीबर्थ की. ये 1947 से 1963 के पीरियड में ड्रैगन में है 9.6%, क्लासिक में 8% और प्योर इक्विटी में भी 8%. अब बात करते हैं सेक्युलर स्टैग्नेशन की. 1964 से 1983 के पीरियड में ड्रैगन पोर्टफोलियो ने दिया 12.7%, क्लासिक पोर्टफोलियो ने -0.1% और प्योर इक्विटी ने -0.8%. फिर आता है सेक्युलर बूम. ये 1984 से 2007 के पीरियड में ड्रैगन पोर्टफोलियो 7.3%, क्लासिक पोर्टफोलियो 7.9% एंड प्योर इक्विटी 4.7%. लास्ट में बात करेंगे सेक्युलर डिक्लाइन की. 2008 से 2019 के पीरियड में ड्रैगन पोर्टफोलियो ने दिया 11.8%, क्लासिक पोर्टफोलियो ने 8.6% और प्योर इक्विटी ने 6.4%.
तो ड्रैगन पोर्टफोलियो की बैक टेस्टिंग से ये तो साबित होता है कि ये पोर्टफोलियो एक लंबे समय यानी कि 90 से 100 साल के लिए सारे मार्केट साइकिल्स में बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। स्टैग्नेशन और डिक्लाइन के दौर में भी इस पोर्टफोलियो ने ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। US मार्केट के सारे साइकिल्स, वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, .com बबल, फाइनेंशियल क्राइसिस, लो इंटरेस्ट रेट रेजिम में भी इस पोर्टफोलियो ने अच्छे रिटर्न्स दिए होते। गौर करने की बात तो ये है कि जब ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स नेगेटिव थे तब ड्रैगन पोर्टफोलियो ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि पास्ट परफॉर्मेंस से हमें भले ही बहुत कुछ सीखने को मिले बट वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकता। ड्रैगन पोर्टफोलियो आने वाले सालों में कैसे बिहेव करेगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। और फिर ऐसा पोर्टफोलियो इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए अभी तक बना भी नहीं है। आशा करते हैं आपको ये ड्रैगन पोर्टफोलियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहाँ आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.